फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वार की टेक न्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा हवावे के बारे में कि हवावे क्या कर रहा है और 2018 में हवावे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मिड रेंज की बात करूंगा, जितने भी इनके मिड रेंज, जितने सारे इन्होंने फ़ोन निकाल दिए मिड रेंज। तो आज मैं बात करूंगा इनके चार फोन्स की। सबसे पहले आता है हवावे का मेट 10 लाइट, जो कि हॉनर 9 लाइट भी है, उसके मेट 10 हॉनर 9 आई भी है। और इसके अलावा आता है इनका हॉनर 7X, हॉनर 9 लाइट, देन एंड में जो है हवावे पी स्मार्ट। तो ये सारे फ़ोन हैं, इनकी प्राइसिंग जो है बहुत ज़्यादा मर्ज हुई हुई है। हवावे मेट 10 लाइट जो कि हॉनर 9 आई भी है, उसकी प्राइसिंग जो है इंडिया में 20,000 है और पाकिस्तान में 30,000 है। उसके बाद बात करते हैं हॉनर 7X की, तो वो जो है कुछ 13,000 तक इंडिया में आता है और पाकिस्तान में वो तकरीबन जो है 26,000 पर जो दराज डॉट पी के पे जो है प्री ऑर्डर पे जो है लगा दिया गया है। इसके अलावा हॉनर 9 लाइट की बात करें तो इसमें भी जो है आपको इंडिया में 11,000 तक का मिल जाएगा, पाकिस्तान में 25,000 तक का ये प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है दराज डॉट पी के से। अब बात करते हैं हवावे पी स्मार्ट की, तो हवावे पी स्मार्ट जो है पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है, इसकी प्राइसिंग है 26,000। इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, उसकी प्राइसिंग जो है तकरीबन ये होगी 12-13। तो आज मैं कंपेयर करूंगा इन सबको आपस में और कौन सा लेना चाहिए आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हवाई पी स्मार्ट की। तो हवाई पी स्मार्ट एक ऐसा फ़ोन है जिसमें जो है ये वाहिद फ़ोन है जो इन चारों के अलावा इसमें सिर्फ और सिर्फ फास्ट चार्जिंग है, बाकी तीनों में फास्ट चार्जिंग नहीं है। तो अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो फास्ट चार्जिंग के लिए आप हवाई पी स्मार्ट में जा सकते हैं। और अगर कैमरे की बात करें तो यहाँ पर बैक कैमरा जो है 13+2 मेगापिक्सल है और फ्रंट कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल है और 3000 mAh की बैटरी है। और बात करें अगर इसके अंदर, तो इसके अंदर ओरियो है, तो ये अच्छी बात है कि इसके अंदर जो है आपको जो है बॉक्स खोलते ही ओरियो मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और बात करें इसके ओवरव्यू की, तो यहाँ पर फुल मेटल बॉडी है ये और काफ़ी अच्छा जो है लुक है इस सेट का। लेकिन ये जो है एक तरह से अगर आपको सिर्फ फास्ट चार्जिंग चाहिए जब भी लें, क्योंकि कैमरा जो है इसका सबसे कम है। इसकी प्राइसिंग जो है तकरीबन मिलती जुलती है सबसे, लेकिन कैमरा जो है इसका इतना खास नहीं है। 13+2 बैक है और 8 फ्रंट है। जहाँ बात करें हॉनर 9 लाइट की, तो वो जो है सबसे अच्छी चॉइस होगी मेरे ख्याल में इन चारों में से लेने के लिए। हॉनर 9 लाइट में जो है आपको 13+2 बैक मिलता है, 13+2 फ्रंट मिलता है, इसका मतलब चार कैमरे जो है आपको मिल रहे हैं। और इनके जो सेकंड कैमरा होता है वो काम अच्छा करता है, ना होने से बहुत बेहतर है। अगर आप सॉफ्टवेयर बुके फिट में जाएंगे तो उसकी वो बात नहीं होती जो कि आपको अलग से जो है 2 मेगापिक्सल कैमरा जो है देगा। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की, तो यहाँ पर चारों में जो है एक ही प्रोसेसर यूज़ किया गया है, हवावे का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 659 की चिप है, जो कि पी स्मार्ट में जो है 3GB 32GB है, 32GB है। और बात करें हॉनर 9 लाइट की, तो हॉनर 9 लाइट 3GB 32GB और 4GB 64GB तक में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर जो है वाहिद ये फ़ोन ऐसा है हॉनर 9 लाइट जिसमें बिल्ड क्वालिटी आपको मिलेगी गिलास, मतलब फ्रंट गिलास, बैक गिलास का, मतलब ये बहुत प्रीमियम लुक देगा आपके हाथ में। और जो इसका फ्रेम है वो है मेटल का, फ्रंट में गिलास है। और इनकी प्रोसेसर की मैं बात बता दूँ, जब मैंने मेट 10 लाइट लिया था और मैंने उसको यूज़ किया था, वो 4GB 64GB में था, तो इस प्रोसेसर की जो स्पीड है काफ़ी अच्छी है। इस प्रोसेसर पे आप जो है रिलाय कर सकते हैं, आराम से गेमिंग कर सकते हैं, हैवी गेम भी आराम से खेल सकते हैं आप इस प्रोसेसर पे। तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है और लैग बिल्कुल नहीं करता। तो ये था हॉनर 9 लाइट। इसमें जो है आपको बुके इफेक्ट मिलेगा सेल्फी में भी और बैक पर भी, और आपको जो है 3000 mAh की बैटरी मिलेगी। बैटरी थोड़ी कम है क्योंकि बाकी हॉनर 7X में और मेट 10 लाइट में बैटरी थोड़ी बड़ी मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें अदर स्पेसिफिकेशन की, तो चारों मोबाइलों में जायरोस्कोपिक सेंसर नहीं मिलेगा, कुछ मतलब VR की सपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। देन जो है अगर बात करें इसकी अदर स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको चारों में मिल जाता है, ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं हॉनर 7X की, तो हॉनर 7X जो है उसमें आपको मिल जाता है बैक कैमरा जो है 16+2 मेगापिक्सल, इसका मतलब ये है कि बैक कैमरा इसका जो है अपग्रेडेड है हॉनर 9 लाइट से, लेकिन फ्रंट कैमरा जो है सिर्फ 8 मेगापिक्सल है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर सेम प्रोसेसर लगा हुआ है और इसकी जो बिल्ट है वो है स्टील बॉडी है। और बात करें इसकी बैटरी की, तो 3340 mAh की बैटरी है जो कि काफ़ी अच्छी है। और जब मैंने मेट 10 लाइट लिया था, मेट 10 लाइट हॉनर 7X की तकरीबन सेम बैटरी है, तो ये बैटरी जो है तकरीबन 2 दिन दे रही थी मुझे आराम से। नॉर्मल यूज में बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करता था तो 1.5 डे, मतलब 1.5 दिन आराम से दे दी थी। अब बात करता हूँ मेट 10 लाइट की, तो वो जो है काफ़ी महंगा है, मतलब अगर आपको मेट 10 लाइट चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फी में पिक्सल बढ़ाने के लिए, इसका मतलब हॉनर 9 लाइट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि
प्रोसेसर सेम है, प्रोसेसर सेम है चारों का, आप कुछ भी कर लो आपको अच्छा जो है प्रोसेसर नहीं देखने को मिलेगा किसी में भी, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है, मतलब अगर आप मेट 10 लाइट ले रहे हो इस उससे कि यार मैं गेम खेलूंगा और जो है ज़्यादा स्पीड मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है हॉनर 9 लाइट में भी अच्छी स्पीड मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन का फर्क है, यहाँ पर 6 इंच की स्क्रीन है मेट 10 लाइट में, हॉनर 9 लाइट में, हॉनर 9i में, और हॉनर 9 लाइट में जो है वो आपको स्क्रीन मिलेगी 5.7 इंच की। तो स्क्रीन का थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सब में जो है 18:9 रेशो का एस्पेक्ट रेशो है, फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है, और प्रोसेसर जो है बहुत अच्छा प्रोसेसर है। तो ये जो है हवावे जो है छावा के चारों साइड है। अगर मुझसे पूछो तो मेरे ख्याल में हॉनर 9 लाइट जो है बेस्ट है अगर आप ग्लास यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मेटल ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप जाएँ मेरे ख्याल में हॉनर 7X पर, अगर आप मेटल यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप ग्लास यूज़ करना चाहते हैं, बैटरी भी अच्छी है, 3000 mAh बैटरी अच्छी है, और फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है, 18:9 रेशो का एस्पेक्ट रेशो है, और बाकी जो है फिंगरप्रिंट भी, फिंगरप्रिंट भी काफ़ी अच्छा है, बाकी फेस अनलॉक भी ये लोग जो है अपडेट में आ जाएगा, मेट 10 लाइट हॉनर 9i में तो आ गया, इसमें भी आ ही जाएगा। तो ये जो है हवावे जो है काफ़ी मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और अगर आपको मिड रेंज फ़ोन ही चाहिए तो हवावे आई थिंक बेस्ट है अभी के लिए, कि आप हवावे जो है ले सकते हैं, हॉनर 9 लाइट जो है बहुत अच्छी चॉइस है अभी। तो ये थे एनालिसिस हवावे के, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मुझसे पूछते हैं कौन सा सेट लेना चाहिए, मेरी पर्सनल राय यही है कि हॉनर 9 लाइट लें, क्योंकि वो जो है उसमें 4 कैमरे भी हैं, आप प्रोसेसर तो अच्छा सब में सेम ही है, लेकिन आपको जो है प्रीमियम लुक मिलेगी बहुत ज़्यादा, और स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।